बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको हार्वेस्टर दिखा रहे हैं जो कि गंदम की कटाई कर रही है। आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर जिसमें तूड़ी और जो गंदम है वो कटी होती है। इसमें आप देख सकते हैं जो गंदम है वो जमा कर रखी जा रही है और जो कचरा वाला तूड़ी है वो बैक साइड या फिर आरा कर रही है। ये जो हर बस्तर वाले हैं वो 7 से 8 हज़ार ले लेते हैं। ये जो एक एकड़ पे जितने 7-8 हज़ार ले लेते हैं, एक एकड़ पे ये तकरीबन तकरीबन 1 घंटे में ये काम करते हैं। बाद में दाने एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाद में ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे कचरा भरा है उसको दोबारा से यूज करके हर बस्तर उस पर वो पूरी वगैरह फिर इसकी बना लेते हैं। जी हम आपको ये करीब से दिखा रहे हैं हार्वेस्टर। ये जी बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी है, इसको हार्वेस्टर बोलते हैं। एक तो होता है हार्वेस्टर कंबाइन, कंबाइन में दाने वगैरह भी इसी के अंदर होती है और तूड़ी वगैरह भी इसी के अंदर होती है। ये हार्वेस्टर है लेकिन बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है। पिछले दौर में इंसान को हाथों से ये गंदम काटता था, अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गया जो कि एक एकड़ में ये तकरीबन 1 से 7 घंटे का ये एक दिन में तकरीबन 20 से 22 एकड़ तक ये हार्वेस्टर गंदम निकाल लेते हैं। 20 से 22 एकड़ तक वो जो गंदम निकाल लेते हैं तो एक एकड़ पे तकरीबन 12 से 13 लीटर इनका जो डीजल वगैरह है वो लग जाता है। तो एक एकड़ से ये 7 हज़ार ये ले लेते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो हमें बताएं किस तरह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।